सैनिटाइजर का जो उसको क्या बोलते हैं चेंज पॉकेट, वो चेंज करने वाला हूँ। तो जाएंगे अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, पहले एड्रेस सब कर लो फिर निकलते हैं। तो बेसिकली इंट्रो देना मैं भूल गया था, चलो इंट्रो अभी दे लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल गाइज, आई एम ऑडबोन एंड यू आर वॉचिंग एन बी ऑडबोन। तो चलिए आज का वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली घर से निकल चुका हूँ, जाना है सिर्फ वही चंदन नगर में जाना है, क्योंकि गाड़ी का पार्ट तो मिलता है वहीं पर ही। तो फिलहाल मैं लोकल रोड से नहीं जा रहा हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ जी टी रोड। अभी घर से निकलते ही मैं थोड़ा दूर से जी टी रोड पकड़ रहा हूँ, क्योंकि लोकल रोड का हाल है बहुत ही खराब। ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता जाकर मिलता है आसाम लिंक रोड में, उससे एकदम जी टी रोड पकड़ लेंगे। ये रोड मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इस रोड में हम तेजी से जा सकते हैं, लेकिन हमारे लोकल रोड से हम तेज नहीं चला सकते गाड़ी। हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट। हम लिंक रोड में पहुंच गए हैं, अभी वहां से जीपी रोड पकड़ेंगे। ये रोड भी बहुत खूबसूरत है, इस रोड में चलाने में मजा आता है। वही जिसे ओ काका रुकिए, हमारा गेट फैली बन, गेट नहीं फैलने का काका, काका गेट नहीं फैलने का, गेट फैल दिया रे। सामने है रेड सिग्नल बैंडल मोड, रुकना पड़ेगा, क्या करे। हाँ रुकने का जगह है और रुकता है लोग जून जाके, तो जाइए ना, दाएं जाना है तो जाइए ना, हम लोग क्यों रुकते हैं। पुलिस वालों का तो काम ही कुछ नहीं है फोन में बातें करने से, फोन से बात करते हैं और साले जो लोग हेलमेट पहनते नहीं है उनको पकड़ते नहीं, जो लोग हेलमेट पहन के निकलते हैं उन लोगों को पकड़ के केस देते हैं। क्रॉसिंग हुगली मोड, वाह बहुत टाइम हो गया आप लोगों से सीधा मिलता हूँ मैं शोरूम के अंदर, शोरूम नहीं जो शॉप बोलते हैं, या मैं जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप है कंपनी के पास में ही, वहाँ पर मिलता हूँ आप लोगों से। चलिए मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ, चेंज पॉकेट या एंटाइजर। अगर देखिएगा खुला हुआ, खुला खुला देखिए,
पूरा सब समय तक बढ़े नहीं फुल सेट तो तो अपने गाड़ी का स्पेयर पार्ट खरीदना हो गया और उसका कॉस्ट पड़ा 840 रुपीज। अभी भी उसको इंस्टॉलेशन कराना है बाइक में, उसका अलग से लगेगा वो तो मैं गैरेज में जाकर करूँगा हमारे घर के वहाँ पर। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अब एकदम आप लोगों से मिलता हो हमारे घर के पास वाले गैरेज में, ठीक है? चलो। सो ये रहा अपना चेंज पॉकेट का पूरा सेट, खोल कर दिखा देता हूँ। अंदर में ये व्हील, पूरा वाला व्हील, ये पूरा ये वाला पार्ट्स रहेगा अंदर में जो इंजन में लगता है। और पीछे में है अपना पूरा चेन, नया पूरा पूरा कॉम्बो सेट है। इसका प्राइस पड़ा मुझको अराउंड 840 या वहाँ के शोरूम से स्पेयर पार्ट। अभी यहाँ पर लगाने वाला हूँ, गाड़ी में इंस्टॉल होने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अपना गाड़ी का पिछला वाला टायर खुल चुका है, चेन का वो वाला स्पॉकेट खुल चुका है, अभी यहाँ वाला खुलेगा। चेन तो निकल गया, अभी ये वाला खोलना बाकी है। ये वाला खुलने के बाद कदम जाता है चल रहा है।
चलो कुछ कवर लगाना हो जाए फिर दिखाता हूँ आपको पूरा सब कुछ कंप्लीट होगा यहाँ पर। अब सिर्फ कवर लगे यहाँ पर कवर लगा। तो गाड़ी का काम कंप्लीट, अब थोड़ा चला के देखते हैं। वो गाड़ी पूरा मस्ती में चल रहा है। मस्त भाग रहा है गाड़ी, सही चल रहा है भाई। सुरेशदा ने पूरा एक नंबर काम कर दिया है। गाड़ी चला के तो मैं बहुत खुश हुआ भाई। लेकिन रास्ता खराब है, लेकिन मैं खुश हूँ। पूरी शाला एक नंबर हुआ, एक नंबर काम हुआ है पूरा मेरा गाड़ी में। गाड़ी चलाने में अभी बहुत स्मूथ हो गया है। पहले जो प्रॉब्लम आता था, मैं गाड़ी जब स्टार्ट करता था फर्स्ट गियर में, जब मैं गाड़ी को रनिंग करता था, फिर उस टाइम पर चेन ऑटोमेटिक घूम जा रहा था, गाड़ी में आवाज़ हो रहा था। वो आवाज़ अब पूरा बंद हो गया है, वो एक अच्छा काम हुआ है। और गाड़ी बहुत स्मूथ चल रहा है अभी, पिकअप बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि नया गाड़ी चला रहा हूँ, अच्छा काम कर दिया है गाड़ी में। गाड़ी में जान आ गया है फिर से। अभी यहाँ पर रुकता हूँ, वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन पूरा काम मैंने दिखा दिया यहाँ पर। अब वीडियो को करूँगा एडिट करके यूट्यूब में डाल दूँगा मैं। तो वीडियो को करता हूँ यहाँ पर ही एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जो पास में है वो वाला बटन ज़रूर दबा देना, और पास में जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहे। तो मुलाकात होगा बहुत ही जल्द दूसरा एक नया वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।